बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं हूं नबीला, नबीला हुमा फूड सीक्रेट के साथ। व्यूअर्स, आज हमारे किचन की रेसिपी है मटन कलेजी कढ़ाई। आप इसे मसाला कलेजी भी कह सकते हैं, आप इसे एक भुनी कलेजी भी कह सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं ये किस तरह बनती है और क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए। सबसे पहले ये कलेजी 1 किलो, और ये दही है 1.25, और ये ऑयल है, या ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और ये है 5 टेबल स्पून लहसुन है, और अदरक है पेस्ट है इनका, और ये हरा धनिया है, और यहाँ पे ये टमाटर है, नीचे हरी मिर्ची है, और ये है 1 टेबल स्पून क्रश यानी चिली फ्लेक्स, और ये 1/2 टीस्पून ये रेड चिली पाउडर है, और ये है सूखी मेथी, इसे मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, भून लिया था मैंने। ये नमक है 1 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून ही ये है गरम मसाला इधर ये वाला, और ये है ज़ीरा भुना हुआ है 1 टेबल स्पून, और मैं इसमें से थोड़ा कम कर सकती हूँ, आप अपने इसके मुताबिक कर सकते हैं। चलें इसमें सबसे पहले हमें एक पैन की ज़रूरत है, और पैन की ज़रूरत है, फिर इसमें ये डालेंगे ये कलेजी, ये मैंने धो ली थी। थोड़ा सा इसमें वो पानी जाएगा, क्योंकि ये पकते वक्त पानी छोड़ेगी, थोड़ा सा ही डालेंगे। और इसमें ये डालेंगे पहले तो ही नमक डाल देंगे साथ में, इसी तरह ही सूख मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, और ये जो है ये भूनते वक्त ये सारी चीज़ें जाएंगी। ये मेथी जो है बिल्कुल अड़ में जाएगी, हरी मिर्च भी इसके साथ जाएगी, और हरा धनिया भी इसके साथ जाएगा, तो ये दो चीज़ें जो भूनते वक्त डालेंगे इसमें। फ्लेम ऑन करते हैं, और इसे एक आध जब इसे बॉयल आएगा तो हमने इसमें ना फिर दही डाल देना है, या फिर भूनते वक्त डाल देंगे, कवर कर देते हैं इसे। इसका पानी जो है खुश्क हो गया, ये देखे 1 kg थी तो श्रिंक होके कितनी रहेगी देख लें। तो आपने कहा यानी कोई नहीं कहेगा कोई कि ये इसने इतना लहसुन डाल दिया, लहसुन पेस्ट डाल दिया, इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से लहसुन अदरक ज़्यादा डलता है इसमें। और ये ऑयल गया इसमें 8 टेबल स्पून, और ये कलेजी कौन सी थी, मटन कलेजी थी, और ये धनिया भी इस वक्त भी डाल देते हैं, बताया नहीं ना आपने। अच्छा जी, ये हरी मिर्च भून रही हैं तो डाल देते हैं इस वक्त भी, और गरम मसाला भी डाल देते हैं, और ये ज़ीरा भी डाल देते हैं, और ये जो है ये दही भी डाल देते हैं इस वक्त।
ये जब ये खुश्क होगा इसका ये दही पक के, तो फिर हम आपको फिर हम बाकी का प्रोसीजर करेंगे। चलो कवर करते हैं इसे। ये अब इसे भून लेंगे थोड़ा सा। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए, सोए अब ये सूखी मेथी रह गई है। आप चाहें तो इसे इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, मगर मैं ज़रा थोड़ा सा और इसे ड्राई कर लूँगी। ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई होती है, वरना बंदा कलेजी के साथ कितनी तरह के सालन बना सकता है। ये रेयरली यम है। और इतनी अच्छी खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है, बगैर किसी केमिकल के, किसी मसाले के, बाही के। अब हम इसे इसमें डालेंगे सूखी मेथी। एक दफ़ा इसे कर देंगे। इसमें सूखी की मेथी की जो खुशबू है, तो पता लगता है कि कोई चीज़ बड़ी अच्छी रेसिपी बनी है, दूर तक महसूस होती है। चलो जी, अब हम इसे सर्व करते हैं, इसमें डिश आउट करते हैं। चलिए, ये हमारी बहुत ही मज़ेदार कलेजी कढ़ाई तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। व्यूअर्स, आज की ये जो टिप है इसमें, कि आप जब इसके इसका सालन बनाएं ना, तो इसमें लाजमी दही डालें, वरना तो टमाटर भी डालते हैं, नींबू भी डालें, सिरका भी डालें, मगर जो इसे दही से टेस्ट आता है ना, आप खुद इसे ट्राई करके देखें, आप कहेंगे इसका जायका और है दही के साथ, और इसी का जायका जो है टमाटर के साथ और है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे अगली रेसिपी अगली वीडियो तक इजाज़त दें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।